शास्त्रम् येष्टराजम् ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पद आश्रमवन्नो दिवेत्सेदसादनम् हरिओम् यज्ञेन यज्ञम् यजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकम् महिमान् चत्र यत्र वरवे। जो मुक्त हाथों से कृपा बरसाते हैं, जिनका मुख हाथी के समान है, जो विघ्नों का नाश करते हैं, विघ्नों को हरते हैं, जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, जो परम भगवान है, जो सदैव भक्तों को सुख प्रदान करते हैं, जो कला में कुशल है, जो ओजर क्षेत्र में निवास करते हैं, ऐसे विघ्नहर्ता श्री गजानन के दर्शन करने आज हम महाराष्ट्र के ओझर गाँव में चलते हैं। पूरी दुनिया में गणेश जी के अनेक बड़े बड़े प्रसिद्ध और पावन मंदिर है। इन सब में महाराष्ट्र के अष्टविनायक यानी गणेश जी के 8 मंदिर बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध है। भक्तगण बड़ी दूर दूर से विघ्नहर्ता गणेश जी का आशीर्वाद लेने इन मंदिरों में आते हैं। इन अष्टविनायकों में से ही एक ओझर गांव में स्थित श्री विघ्नेश्वर के दर्शन आज हम करते हैं। ओझर गांव कैसे पहुँचे, ओझर में सस्ते में रहने की सुविधा कैसे मिलेगी, स्वादिष्ट और भरपेट सिर्फ 30 रुपए में खाना खाने की सुविधा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो से जान लेते हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में पुणे से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर जुन्नर शहर के पास कुकड़ी नदी के किनारे ओझर स्थित है। कुकड़ी नदी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर अष्टविनायकों में से ही एक लेन्याद्री का गिरिजात्मक विनायक मंदिर है और नदी के दूसरे तट पर ही ओझर का विघ्नेश्वर मंदिर है। ओझर आने के लिए पुणे के शिवाजीनगर बस स्टैंड से रेगुलर बस सेवा चलती है। पुरातन काल में इस क्षेत्र में विघ्न असुर नाम का ताकतवर असुर था। यह असुर ऋषि मुनियों को और सामान्य लोगों को काफी कष्ट देता था। सब लोगों ने गणेश जी की आराधना की और असुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तत्पश्चात गणेश जी और विघ्न असुर के बीच भयानक लड़ाई हुई, लेकिन गणेश जी के ताकत के आगे विघ्न असुर ने हार मान ली और जहाँ पर गणेश जी की आराधना चलती है वहाँ पर न जाने का वचन दिया। इस विघ्नासुर नाम के असुर को हराने वाले विघ्नहर या विघ्नेश्वर गणेश यहाँ ओझर में स्थापित है, श्री विघ्नेश्वर विनायक। ओझर का विघ्नेश्वर मंदिर पूर्वाभिमुख है, यानी पूर्व दिशा में मंदिर का मुख्य द्वार है। संरक्षण के लिए मंदिर के चारों ओर पत्थर की दीवार बनाई गई है। इस दीवार के ऊपर से चलने की व्यवस्था भी की गई है। प्रवेश द्वार पर ही भालदार और चौबदार पत्थर में उकेरे दिखाई पड़ते हैं। अंदर प्रवेश करते ही रास्ते में दोनों तरफ बड़े बड़े हॉल दिखाई देते हैं। भक्तगण यहाँ बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। मंदिर के दर्शनीय भाग पर दो ऋषिमुनियों की आकृतियाँ उकेरी गई है। सामने ही पत्थर की दो दीपमालाएं बड़ी सुंदर दिखती है। महोत्सव के दिनों में उन पर लगाए अगणित दीपकों के कारण मंदिर की सुंदरता और भी अधिक दिखाई देती है। मंदिर का मुख्य सभा मंडप 20 फीट लंबाई का है। मंदिर के दक्षिण और उत्तर को भी दरवाजे बने हैं। मंडप के अंदर धुड़ीराज की मूर्ति बनाई गई है। इस मंडप के आगे और एक छोटा 10 फीट लंबाई का मंडप बनाया गया है। इस छोटे मंडप में संगमरमर में गणेश जी के वाहन चूहे को बनाया गया है। यह चूहा भागने की स्थिति में है ऐसा दिखाई देता है। मंदिर के अंदर की दीवारें अनेकों खूबसूरत चित्रों से सजाई गई है। छोटे मंडप में चारों ओर अष्टविनायक की 8 मूर्तियां हैं। आगे मंदिर का मुख्य गर्भगृह है। गर्भगृह में दीवारों में पंचायतन की मूर्तियां हैं। श्री विघ्नेश्वर की मुख्य मूर्ति पूर्व में मुख करके विराजमान है। मूर्ति बाएं सूंड वाली पूर्णाकृति और बैठी हुई स्थिति में विराजमान है। मूर्ति की दोनों आंखें माणिक की है। मूर्ति के मस्तिष्क पर हीरा जड़ा हुआ है और नाभि में भी एक हीरा है। विघ्नेश्वर विनायक के दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि की पीतल की मूर्तियां हैं। इस मंदिर का शिखर यानी कलश सोने का बनाया हुआ है। पेशवा बाजीराव के छोटे बंधु चिमाजी अप्पाणे इस कलश को सुवर्ण से सजाया है। इस मंदिर में भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी और माघ शुद्ध चतुर्थी को प्रमुख उत्सव होते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा को भी 4 दिन का बड़ा उत्सव यहाँ होता है।
मंदिर की पूरी व्यवस्था एक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होती है। यहाँ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। ट्रस्ट की ओर से यहाँ रहने और खाने की काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। भक्तों को खाना खाने के लिए एक बड़े भवन में सिर्फ 30 रुपए शुल्क में महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। हर रोज सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 7:30 से रात 10:30 बजे तक भरपेट और स्वादिष्ट खाना यहाँ पर मिलता है। भक्तों को रहने के लिए 4 मंजिला 4 भक्त निवास यहाँ पर बनाए गए हैं। ऊपर की मंजिलों पर जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर गर्म पानी की सुविधा भी है। भक्त निवास में केवल 500 रुपए में डिलक्स रूम मिलता है। इस डिलक्स रूम में 6 से 7 व्यक्ति आराम से रह सकते हैं। रूम में गद्दे और चादर मिल जाती है। आप अगर अकेले आए हैं तो भक्त निवास में 35 रुपीज में एक व्यक्ति को रहने की व्यवस्था भी है। 700 से 1000 रुपए में AC रूम यहाँ पर मिल जाता है। एडवांस में रूम बुकिंग करने के लिए फोटो में दिए गए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ओझर का यह मंदिर कुकड़ी नदी के किनारे स्थापित है और यहाँ पर पार्किंग की काफी अच्छी व्यवस्था है। नदी पर घाट बनाए गए हैं, जहाँ पर आपको बैठने में और टहलने में काफी अच्छा लगेगा। मंदिर के बगल में ही छोटा सा विघ्नेश्वर उद्यान बनाया गया है। इस उद्यान में औषधि वनस्पतियाँ लगाई गई है। आप इस उद्यान को भी जरूर देखें। ओझर में आने से यहाँ के भक्तिमय और निसर्ग संपन्न वातावरण में आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ की अति उत्तम व्यवस्था देखकर ओझर का यह 7वां विनायक मंदिर अष्टविनायकों में आर्थिक रूप से सबसे संपन्न है, इसका एहसास आपको हो जाएगा। आप यहां से नजदीक ही सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर लेनाद्री में अष्टविनायकों में से ही एक गिरिजात्मक विनायक के दर्शन करने जाए और वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि शिवनेरी को भी भेंट करें। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। धन्यवाद।